नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चिराग पासवान ने जो याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल की थी अपने चाचा पशुपति कुमार पारस के खिलाफ, उस याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और कहा है कि इस याचिका में मेरिट नहीं है। तो पूरे मसले को समझिए। पशुपति कुमार पारस ने लोजपा को तोड़ा। पशुपति कुमार पारस के साथ चार और सांसद, पशुपति कुमार पारस खुद हाजीपुर के सांसद, रामविलास पासवान के भाई चिराग पासवान के चाचा, चंदन कुमार सूरजभान सिंह के भाई जो नवादा के सांसद हैं, बीना देवी वैशाली की सांसद, महबूब अली कैसर खगड़िया के सांसद और प्रिंस राज समस्तीपुर के सांसद, ये पांच अलग हो गए। और इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को जाकर कहा कि असली लोजपा वे ही हैं। और इसके बाद ओम बिरला ने, लोकसभा के अध्यक्ष ने इन्हें मान्यता दे दी। तो इसी मान्यता के खिलाफ चिराग पासवान दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। उनका ये कहना था कि असली लोजपा तो वे हैं। देखिए, अभी ये लड़ाई बहुत आगे चलेगी, चुनाव चिन्ह को भी लेकर लड़ाई होगी कि बंगला छाप किसके पास रहेगा। बहरहाल चिराग पासवान इसे लेकर हाईकोर्ट पहुंचे कि जो ओम बिरला ने इन्हें मान्यता दी है सदन में लोजपा संसदीय दल के नेता के रूप में, वो गलत है। चिराग पासवान का कहना था कि वे इन पांचों सांसदों को पहले ही अपनी पार्टी से निष्कासित कर चुके हैं, लेकिन यह बात प्रमाणित नहीं कर पाए क्योंकि जब तक ओम बिरला के पास पशुपति कुमार पारस और अन्य सांसद पहुँचे थे, चिराग पासवान की ओर से इनके निष्कासन की खबर नहीं पहुँची थी। तो वहाँ मान्यता मिल गई। अब पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री भी बन गए हैं, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण विभाग का मंत्रालय बनाया गया है। तो आज जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच में सुनवाई हुई दिल्ली हाईकोर्ट में और वहाँ चिराग पासवान मतलब लोजपा की याचिका खारिज कर दी गई। अब देखिए इसके खिलाफ क्या फैसला करते हैं चिराग पासवान, देखने की बात होगी। चिराग पासवान इन दिनों बिहार में हैं, आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। पशुपति कुमार पारस की जीत मानी जाएगी क्योंकि ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष के फैसले पर मुहर लग गई है और हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद आप ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष का फैसला, लोकसभा अध्यक्ष का फैसला जो भी है वह उन्होंने नियमों के हिसाब से लिया है। लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं निकला कि लोजपा का विवाद खत्म हो गया। इसका मतलब यह भी नहीं निकला कि लोजपा पशुपति कुमार पारस का ही हो गया। देखिए, यह मसला तो चुनाव आयोग में जाएगा क्योंकि चिराग पासवान ने इसके बाद नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की, पारस ने एक दूसरी नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक की, दोनों अपने अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव से प्रेसिडेंट बन गए। चिराग पासवान कह रहे हैं बहुमत उनके पास है, जितने सारे उम्मीदवार थे या फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव जो है उसमें भी बहुमत है और वे चुनाव आयोग के पास गुहार लगाने पहुंचे हैं। पहले भी यह लड़ाई अभी चलेगी और देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में लोजपा का जो चुनाव चिन्ह है, असली ताकत तो वही होती है। चुनाव में कहा जाता है जिसके पास सिम्बॉल है वही चुनाव लड़ने वाला असली योद्धा है। तो इस लड़ाई पर हमारी नज़र रहेगी। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, Twitter पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।